एसपीके मेकओवर एंड ब्यूटी एकेडमी द्वारा मेकअप आर्टिस्ट के लिए हर बार विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस श्रृंखला में एसपीके मेकओवर एंड ब्यूटी एकेडमी की ओर से टॉप 10 मेकअप आर्टिस्ट मेगा सेमिनार व ब्राइडल कॉम्पिटिशन का आयोजन 23 फरवरी से 25 फरवरी तक किया गया था, जिसमें अलका गोविंद चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित थे। इस दौरान माँ यलम्मा देवी की प्रतिकृति को साकार कर ढोल बजा कर माँ यलम्मा का स्वागत कर पूजा अर्चना की गई। एसपीके मेकओवर एंड ब्यूटी एकेडमी की ओर से हर बार मेकअप आर्टिस्टों के लिए जो है विविध तरह के सेमिनार्स का आयोजन किया जाता है। उसी तरह इस बार भी 2 दिवसीय सेमिनार और 1 दिवसीय कंपटीशन का आयोजन यहां पे किया गया है। हमारे साथ मेकअप आर्टिस्ट ममता भावसार है, हम उनसे जानेंगे कि आपको कैसे लगा 2 दिन का सेमिनार था और आज जो है ब्यूटी कॉम्पिटिशन है, क्या बताओगे आप? मेरा नाम ममता भावसार है, मैं नागपुर से हूँ, मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। एक्चुअली हम लोग जैसे नए हैं तो हम लोगों के लिए कोई नया स्टेज, हम लोगों के लिए स्टेज परफॉर्मेंस या किसी ने आज तक हम लोगों को ऐसा चांस नहीं दिया। बट मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ शीतल करवाड़े मैम को और प्रवीण करवाड़े सर को, जिन्होंने हमें फर्स्ट टाइम ये मौका दिया, हमें स्टेज दिया। जैसे 23rd को मेरा सेमिनार था, हम 5 लोगों का 23rd को था, 5 लोगों का 24 को था एंड आज यहाँ पे एक मेकअप कॉम्पिटिशन है, बैक स्टेज कॉम्पिटिशन है और यहाँ पे अलका गोविंद मैम भी आए हुए हैं मुंबई से और बहुत अच्छा शो रहा, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जितना हमने सोचा नहीं था उससे अच्छा यहाँ पे हमें क्राउड रिस्पॉन्स सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिली। और मैं एसपीके मेकओवर का फिर से एक बार दिल से थैंक्स बोलती हूँ एंड शीतल करवाड़े मैम का दिल से थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने न्यू कमर्स को चांस दिया, थैंक यू सो मच। हेलो, मेरा नाम स्मिता बागड़े है। आज यहाँ हमें शीतल करवाड़े मैम और प्रवीण सर ने इतना अच्छा चांस दिया है, इतना अच्छा स्टेज दिया है कि जो नए लोग हैं वो अपना जो काम है लोगों तक पहुंचा सके। क्योंकि क्या होता है कि जो बने हुए हैं यहाँ पे वो तो कर ही रहे आगे, पर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है वो भी आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैम ने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए मैं उनकी बहुत दिल से आभारी हूँ। और मैं चाहूँगी कि ऐसा शो बार बार हो, जो नए लोग हैं उनको हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट करे, बस इतना कहूँगी। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ आयुष अशोक कड़मकर, मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आज मेरे को चांस मिला है शीतल करवाड़े मैम की वजह से और प्रवीण करवाड़े सर की वजह से, जिन्होंने मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं स्टेज परफॉर्मेंस दे सकूँ। आज तक कभी किसी फ्रेशर को स्टेज परफॉर्मेंस नहीं मिला है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैं स्टेज पर परफॉर्म कर सकता हूँ। और 23 को मेरा परफॉर्मेंस था, 24 को और 5 मेकअप आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस था। आज ब्राइडल कंपटीशन है, उसके विनर भी अभी निकल आएंगे थोड़ी देर के बाद। और वहाँ पे एज अ गेस्ट अलका गोविंद मैम आए हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और शुक्रगुजार स्पेशली प्रवीण सर और शीतल करवाड़े मैम का हूँ। थैंक यू सो मच। विवेक खिल्लानी, मेकअप आर्टिस्ट जरीपटका से। आज हमें जो भी यहाँ पे हमें इतना अच्छा स्टेज मिला है वो सब मेन हमारे शीतल मैम एंड प्रवीण करवाड़े सर की वजह से है आज हम। एंड हमें इतना अच्छा चांस दिया सर और शीतल मैम ने कि मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ एंड थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम काजल कोसरे है एंड आई एम फ्रॉम नागपुर। मैं आज आप सबके सामने हम लोगों को जो प्रवीण सर ने जो चांस दिया, प्रवीण सर एंड शीतल करवड़कर मैम ने काफ़ी अच्छा हम लोगों के लिए शो ऑर्गेनाइज किया एंड हम लोग ने बैक स्टेज शो किया, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मैम के थ्रू हम लोगों को, काफ़ी स्टेज शो देखने को मिला, बैक स्टेज परफॉर्म किया, काफ़ी एक अच्छा लेवल का था। एंड आज एक ब्राइडल कंपटीशन है जिसमें एज अ गेस्ट अलका गोई का मैम आई है एंड हम लोगों को जो चांस मिला है शीतल मैम के वजह से, शीतल करवरकर मैम की वजह से, थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। हम लोग एक फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स लोगों के लिए बैक स्टेज परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, फिर भी हमें ये चांस मिला मैम और सर की वजह से, थैंक यू सो मच सर हम लोगों को इतना आगे तक के लेके जाने के लिए। एंड काफ़ी अच्छा हमें मतलब कि एक सपोर्ट मिला, काफ़ी अच्छा नाम मिला, इसके लिए दिल से थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम अंजलि है, अंजलि भांदककर, क्विंस मेकअप स्टूडियो मेरी एकेडमी का नाम है और मैं यहाँ ऑन स्टेज परफॉर्मेंस दिया था मैंने, सेकेंड राउंड था मेरा, सेकेंड डे 24th को। शीतल मैम ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है 3 दिन का जो उन्होंने जो प्रोग्राम रखा था, फर्स्ट डे उन्होंने जो नए मेकअप आर्टिस्ट बुलाया है, पहले दिन 5 हुए, सेकेंड डे 5 हुए, तो ये बहुत अच्छा हुआ है प्रोग्राम, क्योंकि नए लोग जो हम लोग
निकल के आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ताकि वो अपना वर्क सबको दिखा सके। आज क्राउड इतना था, पहले दिन 300 लोग थे, सेकेंड डे 300 लोग थे, मतलब 600 लोगों ने आज हमारा वर्क देखा है, हम लोग उन तक पहुँच चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर शीतल मैम एंड प्रवीण सर। हाँ जी हाँ, जैसे कि शीतल मैम करवाड़े जो है और प्रवीण सर, इन्होंने बहुत बहुत अच्छा हटके एक अरेंजमेंट किया है हम लोगों के लिए, स्पेशली न्यू बिगनर्स के लिए। बिगनर्स नहीं बोल सकते, जैसे हम काफ़ी साल से मार्केट में हैं बट हमको सामने नहीं लाया गया, यानी हम काम तो कर रहे थे बट हमारा पब्लिसिटी उतना नहीं था। तो शीतल मैम ने ऐसे ही 10 लोगों को चुना जो जिनका काम बहुत अच्छा है और हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि आज मेरा 23 को था, तो 23 को मैं यहाँ से घर जाने तक मुझे इंस्टा पे आई थिंक 40-50 फॉलोअर्स बढ़ चुके थे मेरे, एंड क्लासेस के लिए मेकअप के लिए कॉल पे कॉल आने लग गए। तो ये फ़र्क पड़ता है पब्लिसिटी का, और मैं बहुत खुश हूँ कि शीतल मैम का शो भी बहुत सक्सेस हुआ है, और यहाँ का जो माहौल आप देख ही रहे हो तो सभी लोग बहुत खुश हैं सभी, और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए और शीतल मैम ऐसे ही कुछ नया नया लाते रहे और हमको सामने लाते रहे बस। थैंक यू सो मच। एसपी के मेकओवर एंड ब्यूटी एकेडमी की ओर से हर बार कोई ना कोई मेकअप आर्टिस्टों के लिए जो है प्रोग्राम किया जाता है, इस बार भी बहुत ही बढ़िया जो प्रोग्राम 3 दिवसीय था उसमें सेमिनार था 2 दिवसीय और एक आज ब्राइडल कॉम्पिटिशन। हाँ, तो क्या बताओगे आज के बारे में, बहुत ज़्यादा भीड़ तीनों दिन देखने मिली है, बहुत लोग यहाँ पे थे मेकअप आर्टिस्ट, क्या बताओगे? आज मेरा आखिरी दिन है, तीसरा दिन है, यानी 23, 24, 25। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा प्रोग्राम पूरा सक्सेसफुल रहा, मेरे 10 मेकअप आर्टिस्ट ने, मैंने पहले 5 मेकअप दूसरे 5 सब ने अपना अपना वर्क अच्छा बहुत अच्छे से किया है। मैंने आज मुझे खुशी है कि मैंने जो 10 मेकअप आर्टिस्ट मैंने चुनी थी उन्होंने मेरा स्टेज पर, जो मुझे थोड़ा डर था कि ये कैसे करेंगे क्या करेंगे, मैंने जो डिसीजन ली वो सही है या गलत है, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पूरा वर्क कंप्लीट किया। और आज ब्राइडल कंपटीशन भी था, और आज आपने देखे हो खुद की देवी माता भी, यानी मेरे शो के लिए देवी माता ने आगे उनके दर्शन हो गए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया आज का प्रोग्राम था, हमने देखा कि बहुत खूबसूरत ब्राइड्स यहाँ बनाई गई थी, और जो देवी माँ का जो बनाया गया था जो प्रतिमा वो किसने साकारा था, इतना जो सुंदर मेकअप था वो साक्षात माँ का स्वरूप लग रहे थे, क्या बताओगे? वो मेघा कपूर मैम ने किए हैं, उनका नाम मेघा कपूर मैम है, बहुत ही अच्छा उन्होंने, मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए इतना मैं बोल के, क्योंकि जो देवी माता मेरे मेरे प्रोग्राम में उन्होंने देवी माता जो लाए है तो मेरा प्रोग्राम सक्सेस हो गया, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और आप कुछ जो हाँ मतलब जो कंपटीशन था ब्राइडल उसमें कौन सा मतलब नंबर किसका पहला आया है, किस तरह से ये मतलब चुने गए हैं, क्या बताओगे? हमारे यहाँ आज जो ब्राइडल कंपटीशन है हमने जिनको बुलाया है स्पेशल यानी वेरी स्पेशल गेस्ट चीफ गेस्ट जिनको बोलते हैं वो है वैसे अलका गोइंग मैडम, उन्होंने ही जजमेंट किए हैं और उनको ही जजमेंट करने के लिए हमने बुलाया है, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने अपना इतना टाइम हमको दिए हैं, मुंबई से आए हैं और अपना टाइम निकाल के हमको दिए है। SPK मेकओवर एंड ब्यूटी स्टूडियो द्वारा जो है जो ब्राइडल कॉम्पिटिशन का यहाँ पे आयोजन किया गया है 2 दिन कॉम्पिटिशन के बाद, आप चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पे हो, बॉम्बे से खास आए हो, क्या बताओ? यस, ये 3 दिन से यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था नागपुर में, और काफ़ी मतलब मैं बोलूँ ना, शीतल मैडम और तरवड़े सर ने ये जो अरेंजमेंट किया है नए लोगों के लिए नया प्लेटफॉर्म है, मैं चाहूँगी कि और भी जो नया आर्टिस्ट हो तो मैं खुद होके सर से कांटेक्ट करें, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका जो आर्ट है वो छुपा है अंदर और ये निकालने की कोशिश सर और मैम कर रहे हैं, शीतल मैम, तो मैं इन लोग को शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे लोगों को आगे ला रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, आप बॉम्बे से हो, कई मतलब मेकअप आर्टिस्ट आपने देखे होंगे, नागपुर में आप आए हो, यहाँ का हुनर क्या बताऊँगी? यस, ऑफकोर्स मैं ये बताऊँगी कि नागपुर में एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट है, लेकिन घर के अंदर छुपे तो उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, और शीतल मैम और तरवड़े सर ने ये प्लेटफॉर्म उनको रेडी करके दिया है तो और लोग आगे आए। बिल्कुल, और बाकी जो मेकअप आर्टिस्ट है या इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश? देखो, हुनर तो सबके अंदर है, मैं ही उनके लिए संदेश देना चाहूँगी कि वो लोग आगे आए, अपना हुनर दिखाए और अपनी फील्ड में नाम कमाए और सक्सेस पाए। थैंक यू।
लोग हमारे साथ जो इस कार्यक्रम की मेन गेस्ट थी अलका मैम जी, और उन्होंने बताया कि नागपुर का जो टैलेंट है ये खास तौर पे बॉम्बे से यहाँ आई है, और यहाँ का जो टैलेंट है वो देखकर उन्हें भी लग रहा है कि ये छिपा हुआ टैलेंट है और आज इस स्टेज पे उभर कर सामने आया है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।